हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। अब जो कमाओगे ना बस अपनी जात पे लगाना। वैसे भी पूरी जिंदगी मुफ्त खोरों को तुमने पालते हुए गुजार दी। पता है मैं सोच रही थी कि आरम का ना किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम बस मुझे गाड़ी ले देना ऑटोमेटिक। उसे छोड़ने जाया करूंगी, लेके भी आ जाऊंगी उसे। कोई मसला नहीं, गाड़ी भी आ जाएगी। और हाँ इस साल दुबई चले, बहुत शॉपिंग करने का दिल कर रहा है। चले चलेंगे दुबई, दुबई कौन सा दूर है, फ्लाइट पकड़ो दुबई चले जाओ। तो मैंने सुना है कि वहां पे ये गोल्ड और डायमंड बड़ा ही अच्छा मिलता। हाँ मिलता हो मिलता हो। तुम्हें क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं सोच रहा, बस वो अचानक ख्याल आ गया, सारी जिंदगी कप कपाइए अंदरून शहर की छतों पे सोने के आती हैं तो ये इतनी खामोशी जो है ना, ऐवें एक हॉल सा उठाया अचानक। कोई नहीं चंद दिन तो लगेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे। छोड़ो ये क्या बातें लेके बैठ गए हो तुम, ऐवें फजूल का मोहल्ला और फजूल के मोहल्लेदार अच्छा है जान छूटी। तुम फिक्र ना करो, अरम की तरह तुम्हें भी आदत हो जाएगी। चाय बनाओ। मैं चाय बनाती हूँ। किधर अंदरून शहर के रक्षे, मोटरसाइकिलें, मल्लेदारों की आवाजें। कब तक जागती रहोगी? नींद नहीं आ रही। खुद को समझाओ, क्यों उसके पीछे रो रो के हलकान होती हो, जिससे तुम्हारी जरा बराबर भी परवाह नहीं की। खुद को तो समझा सकती हूँ गुलाम तालू, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? माँ का दिल है ना, माँ का दिल बड़ा ही अहमक होता है। कितनी जुतियां मार ले औलाद, उसी के लिए तड़पता है। मेरा दिल भी नहीं सुन रहा, चार बेटे हुए तो दिल में ख्याल आया कि चलो मेरे जनाजे के चार मोटे हो गए, पर अब तो एक भी नहीं रहा जिनका मैं वारिस बना। नहीं मुझे लवारस कर दिया। सोए ने अभी तक कितनी रात हो गई? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। हाँ नया घर है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। दरवाजे बंद कर दिए सारे? हाँ बंद। सारे के सारे? हाँ सारे। खिड़कियां भी बंद कर दी? हाँ तो फैल खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद है, क्या हो गया तुम्हें? सो जाओ। सारे दरवाजे बंद है, खिड़कियां भी बंद है, फिर ये यादें किस रास्ते से अंदर आ रही हैं?
तुम? नींद नहीं आ रही मुझे। नींद क्यों नहीं आ रही तुम? मारे खुशी के। नगीना नाम का पत्थर हट गया मेरे रास्ते से, बहुत बड़ा कांटा निकल गया मेरे दिल से। परसों तो फैल भाई अपने घर चले गए हैं, और तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? कहाँ है? मेरे घर से दो लेन्स छोड़कर, और तुम्हें पता है करोड़ों रुपए तो कीमत है यहाँ जमीन की। चलो छोड़ो, अरे किसी को अपना हक है यार, अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च करने। अब हर कोई अपनी मर्जी अपना फायदा देखना शुरू करते तो खानदान तो बिखर जाते हैं ना शुजा। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों दिल पे लेते? एक तो फैल भाई के जाने से हमारा खानदान बिखर तो नहीं जाएगा। वो जाते जाते जिस झगड़े का बीच बो गए हैं ना, उसे पानी देने रोज आते हैं। उस बीच से जो दरख्त निकलेगा ना, आसेब का साया होगा उसका। तुम जायदाद की बंटवारे की बात कर रही हो? हाँ, कल तो फैल भाई घर गए थे, आज भी गए हैं। उनकी एक ही रट है कि घर और दुकान में से उन्हें हिस्सा दिया जाए। अच्छा, तो बाकी के भाई वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं, आज तो बहुत झगड़ा हुआ भाइयों में। क्या क्या कह रही हो, झगड़ा हुआ भाइयों में? हाँ, तो फैल भाई सुबह सुबह आकर बैठ गए, और अब्बास भाई ने भी जायदाद में हिस्से का मुतालबा कर दिया। और इधर से मालिक भाई की जिद है कि दूध दही की दुकान बेची जाए और उन्हें दूसरी दुकान दी जाए, वरना वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत लड़ाई हुई, सब बहुत चीखने लगे एक दूसरे पर। तो अम्मा और अब्बा वो क्या कहते हैं? अम्मी का तो हाल ही ना पूछो शुजा, एक तो फैल भाई के जाने का सदमा, और ऊपर से ये लड़ाई झगड़े, दिल पर ले लिया उन्होंने ये सब कुछ। अब्बा जी भी बहुत बेबस हो गए हैं। तुम ऐसा करो, तुम ना चंद दिन के लिए अम्मा के पास चली जाओ रहने के लिए। रहने? मैं तो मिलने भी नहीं जा सकती शुजा, मुझे इजाजत ही नहीं है। अच्छा, मैं आऊँ सबको समझाने? हाँ हाँ शुजा, तुम आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है, अम्मा की तबीयत भी संभल जाएगी और अब्बा को हौसला भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम देखो चलो, मैं आ जाऊं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मालिक कहने में रह और अपनी जुबान को लगाम दे, औकात में रह अपनी। आप अपनी औकात में रहे तो फैल साहब, सारी जिंदगी ठेकेदारी की दो नंबर कमाई खा खा के ना हराम का खून लग गया तेरे मुंह को। इधर ही बैठा रही, अभी बताता हूँ तुझे दो नंबर क्या होता है, रोक कर जरा। क्या दो नंबर है? मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी जी वो शैला से करनी थी आपसे मिलने के लिए, तो चला है। शैला से तो जब भी फोन पे बात करो सिर्फ आप ही की बात करती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। मैंने भी कह दिया कभी मिलवा दो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मेरी माँ जी और अब्बा जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, फिर कभी सही। बाजी आ गई, पैसे आ गए, पैसे आ गए।
ओहो, पैसे वाला भी साथ आया है। दे पैसे, दे दे दे। मामा इसे संभाले। इधर आओ, तुम मेरे पास आओ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये मेरा भाई है, बीमार रहता है बेचारा। अच्छा, तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप? करवा रहे हैं जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू। रात को हम खाना साथ करेंगे। कंफर्म तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करके बताऊँ। बताना क्या है, प्रॉमिस करो मुझसे। बता दूंगा। बाय आंटी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा सदो मैनू हीर ना आखो कोई। ओ किन चक्रों में पड़ गया। चंगा भला पाई, एक लुगाई के पीछे लग गया। खुद तो लगा है, हमें भी लगा दिया। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। अरे तू यार है मेरा, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे एक मशवरा आया मेरे पास। हाँ बोलो। भूल जा उसे। नहीं भूल सकता। फिर उसे याद करा कि तू उससे मोहब्बत करता है। कोई आशिक है तू उसका? नहीं बता सकता। तो फिर मुझे हुक्म कर, मैं बता देता हूँ उसको। नहीं, तेरी नई ने देर कर देनी है। किसी और ने इजहार कर दिया तो तेरा इकरार तेरे दिल में ही रह जाना है। आज वो घर ले गई है उसे। पता है मुझे, शतरंज की बिसात पे बड़ी मलका नहीं है वो, जिसे मोरों पे रख के सोचेगा कि उस तक कोई नहीं आएगा। तो क्या करूं? मार दे उसे। किसे? उस लड़की को। नहीं मार सकता। खुद